हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन की सीरीज में चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर्स का वीडियो बना लिया है पहले ही। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख करके आइए और कंटिन्यू। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो मैं पूरी की पूरी वीडियो सीरीज यहाँ पे नवोदय के लिए लाने वाला हूँ। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के बारे में आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन है। देखिए लिखा है फैक्टर्स, सबसे पहले हमको फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। फिर है कॉमन फैक्टर्स, फिर हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होता है, फिर देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरा का पूरा मतलब कंप्लीटली डिवाइड करे वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 20। ठीक है, इस 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, मतलब 20 जिन जिन नंबरों से डिवाइड होगा वो सारे नंबर इनके फैक्टर्स होंगे। क्लियर? तो जैसे 20 किसने से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। किससे? 1 से। 1 से डिवाइड करोगे 20 टाइम्स में 20 डिवाइड होगा ना। 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 से। ठीक है, फिर 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 4 से होगा? हाँ होगा। ठीक है, 5 से होगा क्या? यस होगा। 6 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा। कितने से होगा? 10 से। उसके बाद जब हम किसी नंबर के हाफ वे तक पहुंच जाए, देखो 20 का हाफ होता है कितना? 10। जब हम हाफ वे तक पहुंच जाए उसके बाद ना सीधा वो खुद से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर के अगर हम हाफ तक पहुंच गए हैं तो उसके बाद वो सीधा किससे डिवाइड होगा? खुद से। तो 20 के बाद 10 के बाद किससे डिवाइड होगा? 20 से। क्लियर, समझ में आया? तो इतने सारे नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। कितने सारे नंबर? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इतने सारे नंबर 20 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हूं, हर एक नंबर इसका फैक्टर है। हर एक नंबर इसका क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ यहीं से तुम लोग एक कॉमन चीज समझ लो, 1 जो है दुनिया की जितनी नंबर हैं, जितनी भी नंबर लिखा है दुनिया में, वो सारे नंबर का फैक्टर है 1। कौन है? 1। ठीक है, चाहे कोई भी तुम नंबर ले लो उसका फैक्टर तुमको 1 मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ईच नंबर। इज इट क्लियर? सभी नंबरों का यूनिवर्सल फैक्टर है 1। अब यहां पे तुम लोग एक चीज देख रहे होंगे, यहां पे मैं 20 लिखा हूं तो 20 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? वो खुद। कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? वो खुद। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि 20 40 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 20 को 40 डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? वो खुद। और स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। और यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा है? 1। ओके, समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना है। ओके, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एक ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। इस नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? 20 से भी बड़ा नंबर को इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे बोला जाएगा कि द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा किसी भी नंबर का फैक्टर। ओके, फिर देख रहे हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। जैसे मैं यहां पर 20 लिखा हूं, एक और नंबर लिख रहा हूं 24। ठीक है, 24 का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 1 तो मैं बताया 1 सभी से डिवाइड होता है, 1 सभी को डिवाइड करता है 1। उसके बाद 2 से भी जा रहे हैं, ठीक है, फिर 3 से कर सकते हैं यस, 4 से कर सकते हैं यस, 5 से कर सकते हैं नो, 6 से कर सकते हैं यस, 7 से नो, 8 से यस, 9 से नो, 10 से नो, 11 से नो, 12 से यस। अब मैं क्या बोला था कि जब हम हाफ वे तक पहुंच जाए किसी नंबर के तो उसके बाद वो किससे डिवाइड होगा? सीधा खुद से। तो हाफ हो गया ना 12 इसका, तो सीधा इसके बाद किससे होगा? 24 से। क्लियर, समझ में आया? तो इतने सारे नंबर 24 के फैक्टर है।
इतने सारे नंबर किसके फैक्टर है? 24 के फैक्टर है। अब यदि हमको 20 और 24 के कॉमन फैक्टर्स ढूंढने, कॉमन फैक्टर्स, तो देखना है कि दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है। तो वन वन तो सभी में रहेगा, तो कॉमन फैक्टर वन हुआ। टू इसमें भी है, इसमें भी है, तो टू भी हुआ कॉमन। थ्री इसमें है, इसमें नहीं है। फोर इसमें है, इसमें भी है, तो फोर हुआ। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद कोई नहीं है, है ना। इसका मतलब वन टू और फोर जो है वो 24 और 20 के कॉमन फैक्टर्स से है। समझ में आया कैसे निकाला जाएगा कॉमन फैक्टर्स? क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा कॉमन फैक्टर का बात। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल्स की। जैसा कि तुमको नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना और जो भी नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे मान के चलो हमको 20 का मल्टीपल फाइंड करना है। कितने का? 20 मतलब 20 का टेबल, 20 का टेबल बोलो। 20 के टेबल में क्या आता है? 40, 60 ऐसे आते जाएंगे ना, 80। तो ये सब सारे नंबर जो है वो इस नंबर के क्या है? मल्टीपल। इस नंबर के क्या है? मल्टीपल है। समझ में आया? क्लियर? तो ये हुआ मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल्स अगर पूछेगा तुमसे, कॉमन मल्टीपल्स मतलब जैसे कॉमन मल्टीपल बोले तो अगर मान लो यहाँ पे 5 का कॉमन मल्टीपल और तुम्हारा 7 का कॉमन मल्टीपल, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 का टेबल पढ़ोगे 10, 15, 20, 25, 30, 35 आएगा, है ना। 7 का टेबल पढ़ते जाओ 14, 21 ठीक है, 28, 35 आता जाएगा ना। तो अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ 35। समझ में आया? तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का कॉमन मल्टीपल भी निकालते हैं। क्लियर समझ में आया? ओके, तो अब देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स। क्या देखते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब ये सारी चीजों का जरूरत तुमको महसूस होगा कहां? जब तुम लोग एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर पढ़ने जाओगे, है ना। एलसीएम और एचसीएफ जब बनाने जाओगे ना, तो उसमें तुमको ये कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स का वैल्यू समझ जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। किसकी? प्राइम फैक्टर्स। अगर बोलेगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे। इस तरीके से करते हैं ना, किसी भी नंबर को लिख करके एलसीएम निकाल लेना। इतना कितने से डिवाइड हो गए? 2 से, स्मॉलेस्ट। 1 से नहीं करते क्योंकि 1 से तो सब होते ही हैं, तो 2 से 1 जा 2 जा, क्लियर। फिर 2 से कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2 × 2 × 3, ये हुआ 24 का प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स। समझ में आया? 24 का प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ? ये हुआ। इस तरीके से लिखा जाना किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। Is it clear? तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो वो है प्राइम फैक्टर्स। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख सकते हैं और तुम लोग यहाँ पे बता सकते हो मेरे को। ओके, तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।